अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, जिससे मेरी लेटेस्ट अपलोड्स सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे रसोई घर में। आज हम जो डिश बनाने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है, पर लगभग सभी की फेवरेट भी है। जी हाँ, आलू के पराठे ढाबा स्टाइल में। पर हम इसे ढाबे पर नहीं बल्कि बनाएंगे अपने रसोई घर में। तो चलिए फिर जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमने तेल आवश्यकता अनुसार, लगभग 300 ग्राम गेहूं का आटा, 5 से 6 कद्दूकस की हुई लहसुन की कलियां, बारीक कटी धनिया, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, आधे कटे हुए नींबू का रस, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अजवाइन, 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 7 से 8 मीडियम साइज उबले हुए आलू, इन्हें हमने छील कर कद्दूकस कर लिया है। सबसे पहले हम गेहूं के आटे में नमक और लगभग 2 चम्मच तेल डालकर मिलाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रोटी की तरह नरम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंद लेने के बाद हम थोड़ा सा तेल गूंधे हुए आटे पर लगाएंगे, इससे आटे पर सूखी परत नहीं जमती। इसे हम 15 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। अब हम एक कढ़ाई में 2 से 3 छोटे चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे, फिर इसमें जीरा डाल देते हैं। इसके बाद लहसुन डालकर इसे धीमी आंच पर भूनने देते हैं। जब लहसुन हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें अदरक डाल देंगे और इसे भी धीमी आंच पर तब तक चलाएंगे जब तक कि अदरक का जो कच्चापन है वो चला ना जाए। हल्का सुनहरा भुनने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, फिर लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, चाट मसाला और अंत में अजवाइन। ये पेट के लिए काफी अच्छी होती है। और अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिला देते हैं। गैस आपकी धीमी ही रखें। अब भुने हुए मसालों को एक बाउल में निकाल लें, इसमें उबले हुए आलू डालें, थोड़ी सी हरी मिर्च, अपनी पसंद के अनुसार हरी धनिया और चुटकी भर काली मिर्च डालकर इन सभी को अच्छे से मिला लें। आप चाहें तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अलग से बाउल में ना लेकर सीधे कढ़ाई में भुने मसालों के साथ भी फ्राई करते हुए मिक्स कर सकते हैं। ऊपर से हम इसमें नींबू का रस डालकर एक बार फिर हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब ये मिश्रण तैयार है। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लेकर एक बार फिर आटे को अच्छी तरह गूंद लेंगे। अब हम आटे के गोले को परथन लगाकर गोल बेल लेते हैं। बेलते वक्त इसकी किनारों पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दें, जिससे इसकी किनारें पतली बिलें। जितना हमने आटा लिया था उतना ही हमें आलू का मिश्रण भी लेना है। फिर इसे गोल आकार देकर बेली हुई रोटी के बीच में रखें और पोटली के आकार की तरह इसे बंद कर दें। अब हाथों से अच्छे से दबाएं, जिससे मिश्रण पूरी जगह फैल जाए। अब थोड़ा सा परथन लगाकर इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलें। स्टफ्ड पराठा है तो थोड़ा मोटा ही होना चाहिए, इसलिए इसे ज़्यादा पतला ना बेलें।
बेलने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा बर्तन का आटा लगा हुआ है उसे हम इस तरह हटा देते हैं और फिर इसे तवे पर मीडियम आंच पर सेकेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं भी स्टफिंग बाहर नहीं आ रही है, वो इसलिए क्योंकि हमने आलू को अच्छे से मैश किया हुआ है। अगर आपकी स्टफिंग महीन होगी तो आपके पराठे में से स्टफिंग कभी बाहर नहीं निकलेगी। जब तक ये पराठा सिक रहा है मैं दूसरे पराठे को भी इसी तरह बेल लेती हूँ। अब हम इसे दूसरी तरफ पलटकर इसमें तेल लगा देते हैं। आप चाहें तो बटर या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे हम फिर से पलटकर दूसरी तरफ भी तेल लगा देंगे और इसी तरह दोनों तरफ से सिक जाने के बाद हम इसे पहले एक कटोरी के ऊपर इस तरह से रखेंगे जिससे हमारा पराठा सॉकी नहीं हो पाएगा। तो गर्मा गर्म आलू के पराठे बनकर तैयार हैं। इसे आप दही, चटनी या अचार के साथ खाएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं मेरी अगली रसोई में। धन्यवाद।